आरएमएल हॉस्पिटल के ग्रुप सी और ग्रुप डी के लोग यहां मिलकर 24 घंटे के हंगर स्ट्राइक पे हैं। इसका नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से आरएमएल हॉस्पिटल के गेट के बाहर ये लोग यहां पर अपने स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि जिस तरीके से इनका जो पेमेंट है और उनकी उनमें वृद्धि किया जाए, जो उनका पे स्केल है उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके साथ ही पे स्केल में बढ़ोतरी के साथ साथ जो वैकेंट सीट्स हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं उसे भरा जाए ताकि उन्हें कामकाज करने में किसी तरीके की समस्या ना हो सके। और इसे लेकर और भी इनसे जुड़ी हुई कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए और यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वो अपनी मांगों को लेकर लगातार स्ट्राइक करते हुए आ रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो अपने वादों को पूरा करेगी और उसके बाद वो वादों को पूरा करते हुए नजर नहीं आती, इससे कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी उम्मीद है कि हंगर स्ट्राइक करके ये अपनी मांगों को पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से पिछले बार भी कई डॉक्टर्स ने मिलकर भी स्ट्राइक किए थे और उनकी मांगे भी कुछ इसी प्रकार की थी, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये जवाब आया था कि उनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, उनके हर चीजों को ये जो भी उनकी मांगे हैं उनको फुलफिल की जाएगी, उसके बाद ये स्ट्राइक को खत्म किया गया था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ मांगे बाकी रह गए हैं जिसे लेकर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि ये नहीं चाहते कि हंगर स्ट्राइक करके कामकाज ठप करें, लोगों को परेशान करें, मरीजों को परेशान करें, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो रवैया है ये कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह कदम उठाने ढकेलने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और इन्हें उम्मीद लगती है कि एक वक्त आएगा जब गवर्नमेंट के कानों में जू रहेंगी और इनके मांगों को पूरा किया जाएगा। मैं जॉयती सिंह, कैमरा पर्सन सतीश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।